तुमने पिछले दिन सुनाया ये हमारे लिगेसी जो सीरीज है, दिस इज नथिंग बट हाउ टू डेवलप आवर सेल्फ। हमें कैसे सीखना है, कैसे सिखाना है, कैसे समझना है, कैसे समझाना है, इसके बारे में चर्चा हो रहा था। तो तुम बहुत अच्छा केदार लास्ट दिन तुमने सुनाया था, तुम्हारा अंदाज। मैं तुमको बोला था कि विलंबित गाने को कैसे क्या डेवलप करना है, उस चीज़ को याद रखते हुए हमें पहले श्रुत कल्याण और भूपाली में क्या फ़र्क है ये थोड़ा सा समझाओ। क्योंकि भूपाली जब सीखते हैं तब श्रुत कल्याण एक साथ हम सिखाते हैं, क्योंकि इसको नहीं सीखने से साफ नहीं होता है। बोलो। पहले जो फ़र्क है वो है रे गा भूपाली में जो मीड़ होता है और रे गा का रास्ता श्रुत कल्याण में अलग है, बहुत प्रोमिनेंट है डिफरेंस। एक बाकी श्रुत कल्याण में यूज्ड नोट्स तो अलग है भूपाली से, जैसे यूज नी नोट्स यूज्ड, क्या है, नी और तीव्र मध्यम है। कैसे है यूज नोट्स, शुक्ल में क्या है सा रे यूज नोट्स। इसके साथ यमन कल्याण का क्या फर्क है ये सारे गमा पादन से के साथ, कल्याण का क्या फर्क है? जो यूज है नोट्स के वो अलग है कल्याण में, कल्याण में यूज नोट्स ये है या अलग कोई नहीं नोट शुद्ध है? मध्यम भी है, शुद्ध मध्यम भी मध्यम है। है। कैसे है बोलो। सारे सारे गा मा पा धा नी सा। तो फर्क क्या है भोपाली शुद्ध कल्याण में? भोपाली में ना, पहले तुमको बोलना है भोपाली सारे गा पा धा सा, ओनली ये नोट है हाँ तो ये बहुत पहले सारे बोलना है। फिर बोलना है कि शुद्ध कल्याण में सारे गा पा धा सा, जाते वक्त ये, आते वक्त शुद्ध मध्यम, तीव्र मध्यम और शुद्ध निषाद का प्रयोग है तो और भी साफ होता है। आरोही अवरोही में राग नहीं है, मगर आरोही और अवरोही इस चलन में ये इसका फर्क हो जाता है। सारे गा रे पा, ये शुद्ध कल्याण में होता है। पा गा पा रे, अब सुनाओ क्या बोल रहे थे। रे का इतना आंदोलन का क्या जरूरत है? रे गा, ये तो बोल रही है। बोलो। भूपली हो गया। फिर पता सा भूपली, अब शुद्ध कल्याण में रेगा कैसे है? स्वर से गुड, और उसमें ऊपर गुड, पद सानी दा ये हो रहा है तो सानी सा क्या राग? कल्याण हाँ गुड। तो इसको बहुत अच्छी तरह एकदम पॉइंटेड आंसर जो है इसको और तुम साफ करो। गा रहे हो बिल्कुल सही और ठीक। शुद्ध कल्याण का दुरुस्त सुनाओ, क्या गाना है? बाजो रे बाजो मंदर रात और कोई गाना मालूम है? एक ही गाना द्रुत है। एक तल है, द्रुत एक दूध तल एकतल में में कौन सा है? गुरु ही एक गुण आधार ये किन का बंदिश है? आपका कॉम्पोजिशन। सुनाओ, दोनों सुनाओ। बाजो रे बाजो मंदिर रे बा। बाजो रे
तीन ताल बजा रहे हो, इसमें तुम्हारा यूनिकनेस क्या है इसको सोचो। धा धागे न ती न धागे धिन ना तक धिन नागे न धागे न धागे न धिन ना धागे धिन धिन दा। हाँ, हर हर एक के साथ हर एपिसोड में नया बजाओ। ये अंग का कोई इन्होंने गाया तो तुम क्यों बजाया? अंग सोचो कि किस अंग से गा रहे, क्योंकि दिस इज ए कंप्लीट नॉलेज। तुमको गाना उसी तरह से तुमको जानना है। यू आर सच ए गुड प्लेयर, आप बहुत अच्छा बजा रहे हो। मैंने नाम लेना भूल गया, माफ करना। यह है श्री कल्याण चक्रवर्ती। श्री कल्याण चक्रवर्ती इज ए वेरी गुड यंग तबला प्लेयर, बट इट्स ए इट्स नॉट ए दिखावा कि मैं कैसे दिखे को कौन सा अच्छा हो रहा है और क्या अच्छा हो रहा है। इसके सीखने के ये ढंग जो है ये हमारे देश से चला जा रहा है कि और क्या अच्छा हो सकता है, उसका नमूना चाहिए ना। तो तुम तो इतना अच्छा गा रही हो, मगर और क्या है ये सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि और क्या है, इसके बाद क्या है। सभी लोग ये फोटोग्राफर है, इनको भी सोचना चाहिए कि और क्या। ये रुद्र रूप है, वो सब कुछ देख रहा है, इनको जानना चाहिए कि और क्या, इसके बाद क्या। दिस शुड बी द लाइफ, कि कल क्या। ये हमारी दुनिया से जा रहा है, इसको हम साबित करना चाहते हैं थ्रू दिस क्या लेगेसी से, कि हम जितना कर पाए कहे, इसके बाद तुमको हमसे आगे जाना चाहिए, आगे करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। बोलो बाजो रे बाजो बंदिश को ख़त्म करो, उनको कॉम्पोजिशन जो है उसको दिखाओ अलग तरीके से, फिर तात के मारो थोड़ा तबला। कब लोगे प्रोग्राम खत्म होने के बाद? गाना
दूसरों की बंदिश मालूम है, सुनाओ। गुरु ही एक गुण आधार, गुरु ही एक गुण आधार, गुरु ही एक गुण आधार, गुरु ही एक गुण आधार। गुस्सा आगे आ रहा है, प्यार आगे लाओ। प्यार बोलो। उसको जो एक होता है कि हम कितना तान मारते हैं, नहीं तान मारो मगर प्यार से। तू है या मैं हूँ देख लेता हूँ, ऐसा नहीं।
प्यार से तान करो, बहुत अच्छा है। यू आर ए कंप्लीट म्यूजिकली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एक यंग कलाकार हो, मगर ये कुछ नहीं है। आगे क्या है, कल क्या है, परसों क्या है, जितना तुम गा रही हो ये बहुत लोग सोच भी नहीं सकते। मगर मैं बोल रहा हूँ कि तुमको कहाँ जाना है शायद तुमको मालूम है। अच्छा, थैंक यू।